नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो भैया मैं भी अच्छी हूँ। तो दरअसल क्या है ना कि जो है जन्माष्टमी आने वाली है ना, तो जन्माष्टमी पे कई सारे लोगों के कमेंट आ रखे थे। जब मैंने पढ़ा कि माखन मिश्री बता दीजिए कैसे बनाते हैं, मेवा पाक बता दो कैसे बनाते हैं, तो भाई मेवा पाक तो देखो मैं बता चुकी हूँ कि कैसे बनाना है, और अभी भी पीछे डब्बा भरा हुआ रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। अब इतनी मिठाई मैं बना लूँगी, उसे खाएगा कौन, है ना? समझो आप मेरे भाई पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई 10 प्रकार की मिठाई फिलहाल मेरे घर में है। तो ये जो पाक मैंने बनाया था, मेवा पाक या इसे पंजीरी कुछ बोले, कुछ भी बोले आप, तो ये भी मेरे पास रखा है। बट हाँ ये है कि भाई भगवान जी को तो इससे भोग नहीं लगेगा ना, क्योंकि फ्रेश बनाना पड़ेगा। तो आई विल मेक अगेन थोड़ी सी क्वांटिटी में, क्योंकि ये डब्बा भर के बना था और मंडे को मेरा व्रत होता है, मंडे के दिन मैं इसे खाती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी एनर्जी इससे मिल जाती है, एनर्जी वार है। और ये मेहंदी ना, ये वाला फूल वैभव ने लगाया है मुझे कल रात में, ये वाला, और ये सब मैंने ऐसे ही बैठे बैठे टाइम पास कर लिया। मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, बहुत अच्छी, एकदम प्रोफेशनल जैसी, और बिना कहीं से सीखे हुए। आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन जब आराम से समय मिलेगा ना। एनीवेज तो ये देखिए जो हमारा मेवा पाक है ना, ये ख़राब नहीं होता, स्टोरेबल होता है और बहुत अच्छा, एकदम फ्रेश। देखो इसमें सारे, देखो कितना सॉफ्ट है ये, देखिए, है ना? तो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, यूट्यूब चैनल पर भी है, फेसबुक पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो मेवा पाक है इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने डाले हैं। बट हाँ, कुछ लोग खोपरा पाक यानी कि सिर्फ नारियल पाक बनाते हैं, उसमें नारियल लेना है आपको कद्दूकस करके, जैसे मैंने देखे यहाँ पर कद्दूकस करके रखा हुआ है। तो जैसे मैं ऑर्डर बनाती हूँ तो मुझे ईजी हो जाए, इसलिए मैं एडवांस में ऐसे काम करके रखती हूँ कि ये जो है ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह चॉप करके कट करके मैं रख लूँ। तो मैंने इस प्रकार से ना घिस के रखा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े जो उसके होते हैं, जो मेरे घर का काम होता है कभी गोले वगैरह का, उसमें मैं से यूज़ करती हूँ। तो टाइम आपका काफ़ी सेव हो जाता है। अपने घर में इस प्रकार की थोड़ी थोड़ी तैयारी आप एडवांस में करके रखें कि आपको एक साथ ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, डेली रूटीन में भी बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो जैसे ये नारियल हमने घस के रख लिया है, ओके, और जैसे हमने जो है ड्राई फ्रूट्स भून के रख लिए, तो काफ़ी समय बच जाता है। ड्राई फ्रूट्स भून के रखने से याद आया कि आज जो है सुबह सुबह 3 किलो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू का ऑर्डर आ गया था, तो सुबह सुबह ही मैंने इनकी तैयारी कर ली थी। ये देखिए कढ़ाई भर के, 5 से 6 किलो की कढ़ाई है ये जो फुल भरी हुई है। और जो जो लोग ये कहते हैं ना कि पिस्ता नहीं डाला, ये नहीं डाला, सब डलता है, लेकिन मैंने पहले भी क्या बोला हुआ है कई बार वीडियोज़ में कि हर एक चीज़ ना दिखाई नहीं जाती, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, इंटेंशनली नहीं होता वो, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो पर्सनल होती है, वो मैं नहीं दिखा सकती। रही बात पिस्ते की, जिनको ये लड्डू मिल रहे हैं ना उनको पता है कि इनमें क्या है, तो जिनको ये लग रहा है कि पिस्ता नहीं है, काजू नहीं है, बादाम नहीं है, वो एक बार ऑर्डर कर लें मेरे से और खा लें, तब उनको पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ये मिक्स ड्राई फ्रूट का मेवा पाक है, इसकी रेसिपी मैंने आपको दी थी। अगर आपको खोपरा पाक बनाना है तो इसको कद्दूकस करिएगा नारियल को, और चाशनी का टेक्सचर मैंने बताया था कि 1 कप चीनी अगर आप लेते हैं, जितना भी चीनी आप लेते हैं उसका हमेशा आधा पानी आपको लेना है, और चाशनी को हाई फ्लेम पर 5 मिनट पहले आपको उबालना है। 5 मिनट में आपकी चाशनी में एक तार आ जाएगा, और एक तार के बाद हमें चाहिए 1.5 तार, तो 2 मिनट के लिए हम उसे और पकाएंगे हाई फ्लेम पर, और चाशनी को ऐसे चम्मच से गिराकर देखेंगे, शहद जैसी ड्रॉप जब गिरेगी इट मीन्स एकदम परफेक्ट है आपकी चाशनी, आपकी मिठाई कभी 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 भी ख़राब नहीं होगी। और फिर उसके बाद नारियल मिला दीजिएगा उसमें, फटाफट घी लगी हुई थाली में सेट कर दीजिएगा, आपका खोपरा पाक बनके तैयार हो जाएगा। अब आती है गोंद पाक। गोंद क्या होता है? एडिबल गम, जो कि कृष्णा जी को, हमारे यहाँ स्पेशली कृष्णा जी को जन्माष्टमी में उनका ही भोग लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि गोंद का भोग नहीं लगता है, लेकिन मेरे यहाँ बचपन से मैं देखती आ रही हूँ गोंद की मिठाई से ही भोग लगता है। वो मिठाई कैसे बनेगी? गोंद को आपको शुद्ध घी में एकदम स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है, एकदम स्लो फ्लेम पर, और चाशनी आपको बिल्कुल वैसी बनानी है जैसे मैंने बताया, 1 कप चीनी में 1/2 कप पानी डालकर चाशनी को बिल्कुल ऐसे बना लीजिए जैसे कि शहद गिराते हैं, ऐसे गिरना चाहिए, ओके। उसके बाद जो गोंद है उसको आप मिक्सी के जार में पीस लीजिए, थोड़ा क्रश कर लीजिए, क्योंकि साबुत गोंद अच्छा नहीं लगता है। और अगर आपको गोंद के साथ मावा भी चाहिए, तो चाशनी जब आप बनाते हैं ना, चाशनी में जब आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट हो जाए कि हाँ ये परफेक्ट है, तब आप मावे को कद्दूकस करके टुकड़ों में तोड़ के इसमें डालिए और मावे को मिक्स करिए, फिर आप वो पिसा हुआ गोंद डालिए और बर्फी सेट कर लीजिए। इतनी शानदार बर्फी बनती है ये, इसी से हमारे यहाँ कृष्णा जी को भोग लगता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ धनिया पंजीरी नहीं बनती, काफ़ी सारे लोगों के कॉमेंट आ रखे धनिया पंजीरी बनाओ, तो गाइस हमारे यहाँ धनिया पंजीरी से भोग नहीं लगता है कृष्णा जी को। धनिया पंजीरी बनाने के लिए सिंपली आपको साबुत धनिया लेना है, खड़ा धनिया, उसको सिंपल लो फ्लेम पर भूनना है आपको, ऐसे ही रोस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उसको पीस लीजिएगा, थोड़ा कोर्सली पीसते हैं, और जितने ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं सारे डालिए, शुद्ध घी में भून लीजिए उन्हें स्लो फ्लेम पर, चिरौंजी, नारियल, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, सब कुछ स्लो फ्लेम पर भून लीजिए। उसके बाद उन्हें भी कोर्सली पीस लीजिए और धनिया भी कोर्सली पीस लीजिए, सारी चीज़ों को मिला लीजिए। अंत में आप डालिए बूरा खांड उसमें अपने मीठे के हिसाब से, और थोड़ा डालिए इलायची का पाउडर, मिक्स कर लीजिए, आपकी धनिया पंजीरी रेडी हो जाएगी। ऐसे ही बनती है धनिया पंजीरी, आती है मुझे बनानी, बट
मेरे यहाँ उससे भोग नहीं लगता तो मैं नहीं बनाऊंगी। हमारे यहाँ भोग लगता है पंजीरी से, मेवा इससे, मेवा पाक से, या फिर गोंद से। गोंद मतलब सांधा बोलते हैं, तो लूज जो सांधा होता है वो बनाते हैं, आटा वगैरह डालकर ड्राई, जैसे गोंद जो बोलते हैं ना, गोंद के जो डिलीवरी के बाद खाते हैं वो, उसी से हमारे यहाँ भगवान जी को भोग लगता है। तो मैं वो बनाऊंगी सेम डे थोड़ा सा, ठीक है। और उसके अलावा हमारे यहाँ भोग लगता है क्या कहते हैं इससे, चरणामृत से, चरणामृत बनेगा उनसे भूख लगेगा। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ मेन होती है। लेकिन हाँ, आजकल जो है बहुत सारे लोग ये माखन मिश्री भी बनाते हैं। तो माखन मिश्री कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। माखन बनाना तो मैंने आपको कई बार बता ही दिया है, लेकिन हाँ, जब भगवान जी के भोग के लिए माखन बनाना हो तब हम वो वाली मलाई इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि हमारे फ्रिज में स्टोर होती है, वो नहीं करेंगे। उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से आपको माखन बनाना है, वो भी विद इन फ्यू सेकंड्स आप बना लेंगे। तो सबसे पहले अच्छे से नहा धोकर, जब भी भगवान का प्रसाद बनाते हैं किसी भी धर्म में, जब आप प्रसाद बनाते हैं कोई भी भगवान को अगर आप फॉलो करते हैं, हमेशा भगवान जी का कोई भी काम बिना नहाए धोए नहीं करना चाहिए। तो नहा धोकर भगवान का प्रसाद बनाएंगे तो हाथ एकदम साफ़ है। और ये है मेरा दूध जो मैंने रात में, मतलब एक दिन पुराना दूध है ये, जो रात में हम यूजुअली गर्म करके फ्रिज में रखते हैं। तो इस दूध पे आई हुई है बहुत मोटी सी मलाई। तो नाउ मैं वो मलाई जो है निकाल लूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि फ्रेश फ्रेश मलाई से आपको माखन कैसे बनाना है विद इन फ्यू सेकंड्स, सिर्फ 30 सेकंड्स में आप बना लेंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे ठाकुर जी को, और बहुत ही शानदार आपका माखन मिश्री बन के तैयार होगा। तो चलिए इसके लिए ना एक बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं जिसमें कि मुझे माखन बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये भिगोना ले लिया, ऐसे भिगोने होते हैं। और ये भिगोना ना, जब मैं अपने घर गई थी एक बार, तो मेरी बेटी और हस्बैंड दोनों घर पे ही थे, मैं और वैभव दिल्ली चले गए थे, इमरजेंसी लीव जाना पड़ा था पापा जी के टाइम पे। तो ये भिगोने में उन्होंने कुछ दूध वूध गर्म किया था और रख के भूल गए, इसलिए ये भिगोने में परमानेंट मार्क आ गया आगे पीछे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मलाई है, अच्छे से साफ सुथरे हाथ करके ये सारी मलाई हम निकाल लेंगे बिल्कुल इस प्रकार से। पहले नाइफ से स्क्रैप कर लीजिएगा। और ये जो मलाई है ना, ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने डायरेक्टली दूध का पतीला फ्रिज से निकाला और आप मलाई निकालने लग गए, वो मलाई हमें नहीं चाहिए। चूंकि मुझे इससे माखन बनाना था, तो जब सुबह हस्बैंड का मैं खाना वाना बनाने के लिए गई थी ना सुबह 8 बजे, तब मैंने इस दूध को बाहर निकाला था क्योंकि मुझे इससे माखन मलाई बनाना था, माखन मिश्री बनाना था। तो ये मलाई है रूम टेम्परेचर वाली मलाई हो गई है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है दूध। अगर आप एकदम ठंडी मलाई इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर परिणाम अच्छा नहीं आएगा और आपकी मेहनत बहुत लगेगी, आपका हाथ टूट जाएगा, दर्द कर जाएगा। तो इसलिए हम इसको रूम टेम्परेचर पे कर लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल दूध है ये, बिल्कुल भी ठंडापन इसमें नहीं है। तो सारी मलाई मैंने इसकी निकाल दी, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, ठाकुर जी का प्रसाद बनाना है या किसी भी भगवान को जब पूजा पाठ का खाना बनाते हैं, हमेशा नहा धोकर साफ़ हाथों से बनाइएगा, तो आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपके प्रसाद भगवान को बहुत अच्छे से लगेगा। ये देखिए मलाई मैंने निकाल ली, और जो दूध है ना इसका सारा हम इसमें से हटा देंगे, हमें दूध नहीं चाहिए। और नॉर्मली हम जैसे माखन बनाते हैं ना घर में बिलोनी से बिलो बिलो कर, असली माखन वही होता है आजकल, जैसे मैं भी बनाती हूँ क्योंकि मुझे घी बनाना होता है। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, मलाई मैंने ओवरनाइट फ्रीजर से निकाल कर किचन में रख दी, वो रूम टेम्परेचर पे आ गई, फिर मैंने उसको फेंट लिया, तो फिर मैंने उसका घी बना लिया। लेकिन वो मलाई, वो माखन जब आप खाओगे ना, वो मक्खन वाला स्वाद नहीं आएगा। मक्खन का स्वाद तभी आता है जब आपके माखन में दही वाला फ्लेवर हो। आप याद करिएगा जब कृष्ण लीला आती थी, तो कैसे उनकी मम्मी, उनकी मैया ऐसे बिलोती थी ना, और हमारी खुद की मम्मियाँ भी ऐसे बिलोती है ना, दही बिलोएंगे तभी तो मक्खन आता है। उसका स्वाद, ऑथेंटिक स्वाद जो होता है ना, वो वही माखन मिश्री में अच्छा लगता है। हम सिर्फ मलाई को यूज़ करके उसे नहीं बनाएंगे, नहीं तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए मलाई निकाल ली मैंने, अब हाथ है साफ है, मलाई है ये देख सकते हैं आप, सिर्फ मलाई है, कुछ भी नहीं है। अब इसको मैं ऐसे फेंट लूँगी सिर्फ 30 सेकंड, देखते देखते आपको महसूस होगा कि भैया मक्खन बन चुका है। तो इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं करना है, कोई बिजली खर्च नहीं होगी, कोई मशीन खर्च नहीं होगी, कहीं भी आपका मिक्सी गंदा नहीं होगा, आपके किचन में बहुत सारे बर्तन गंदे नहीं होंगे, यूजुअली जैसे हो जाते हैं। देखो मैंने आपसे बात करते हुए 30 सेकंड भी नहीं हुए और ये मक्खन हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमें इसे बढ़िया वाला फ्लेवर देना है, दही वाला फ्लेवर, तो अब उसके लिए क्या करें, इतना सा माखन है कैसे करेंगे, तो हम फ्रेश दही ले लेंगे। ये दही मैंने जमाई हुई है, देखिए एकदम बढ़िया दही है, ये दही हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो दही हम डाल लेंगे अबाउट आधा कटोरी के करीब, ठीक है। और दही डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, फेंट लीजिएगा इसको। यहाँ पर आप चाहे तो विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से ही बना लूँगी। बहुत बढ़िया तरीका है ये माखन मिश्री बनाने का, या फिर जब आपको लगे कि भाई मुझे वही नानी के हाथों वाला मक्खन खाना है जो मेरी मम्मा बनाती थी, मुझे वही मक्खन खाना है, वो तो बन नहीं पा रहा है, तो उस केस में आप क्या करें, सिंपली पहले मलाई से मक्खन बना लें और फिर दही उसमें मिलाकर उसे 30 से 40 सेकंड फेंट दीजिएगा, आपका वही वाला माखन तैयार होगा जो हमारी मम्मी, हमारी नानी, हमारी दादी बनाया करती थी, वही वाला, ठीक है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें दही डाल दी, फेंट दिया। और जैसे दही डालेंगे ना आप, क्योंकि दही मेरी ठंडी है, फ्रिज से निकाल कर लाई हूँ मैं, और माखन मेरा बन चुका था, तो ये जो माखन है एकदम से बढ़िया, एकदम खिला खिला आपको दिखेगा। मैं दिखाती हूँ आपको अभी, और ये वीडियो एडिटेड नहीं है, मैंने बिल्कुल बीच में कोई पॉज वोज नहीं लिया है, डायरेक्टली मैं इसको बना रही हूँ। टाइम लगेगा तो क्या हुआ, मक्खन बन गया। अब क्या करना है, एकदम चिल्ड पानी लेना है। सुबह ही मैंने एक कटोरा रख दिया था, इसमें आइस भी है, पानी इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ही पानी आप इसमें डालेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका मक्खन जो है ऊपर आ गया। ये देखिए, फ्लोट करना शुरू हो जाएगा आपका मक्खन। ये देखिए, दिख रहा है आपको किस प्रकार से मक्खन की जो गुठलियाँ हैं वो बन गई है। अब हम क्या करेंगे, हम सारा मक्खन जो है निकाल लेंगे। अब इस मक्खन को आप खाएंगे ना, आज मंडे है, मेरा व्रत है मंडे का, वैसे मैं नहीं तो इसको खा के आपको दिखाती, पर आप जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कितना स्वाद ये बनता है। तो हमारा मक्खन बन चुका है, प्लस बटर मिल्क तैयार हो गया, छाछ। अब इससे आप बटर मिल्क वो मसाला छाछ बनाओ, कढ़ी बनाओ, कुछ ही बनाओ, ये भी तैयार है। ये हमारा मक्खन निकल चुका है माखन मिश्री के लिए, फ्रेश एकदम, बिल्कुल ही बासी नहीं है ये। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा बर्फ़ वाला टुकड़ा पड़ा है ना भिगोने में, इसमें इसे डाल देंगे, क्योंकि हमें बनाना है माखन मिश्री। उसके लिए हमें स्मूथ टेक्सचर का मक्खन नहीं चाहिए, हमें हार्ड मक्खन चाहिए, ताकि हम इसमें जब मिश्री मिलाएं तो मेल्ट ना हो। इसके लिए हम जो बर्फ़ वाला पानी ले लेंगे और सारा माखन निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको लग रहा होगा कि बड़े अनहाइजीनिक तरीका है, तो जिनको अनहाइजीनिक तरीका लग रहा है वो ग्लव्स पहन के काम कर ले, लेकिन हाथों से काम करते हैं तभी कुछ काम परफेक्ट होते हैं। आप चाहे तो भाई अपने घर में इलेक्ट्रिक बीटर, ब्लेंडर, कुछ भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, लेकिन अगेन टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इतना समय किसी के पास नहीं है। यहाँ पर 30 सेकंड में काम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैंने एकदम चिल्ड पानी में इस माखन को डाला है, बर्फ़ के टुकड़े तोड़ लिए हैं। अब ये बर्फ जो माखन है ना, एकदम बढ़िया हार्ड हो गया है, तो अब आपको देखो इसे ऐसे साफ़ करना है। आप देख रहे होंगे, इसको इस प्रकार से धो लीजिएगा अच्छे से, तो जो थोड़ी बहुत परतें होती है ना, दूध वगैरह होता है, मलाई की कुछ परतें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए मक्खन में, वो सब आउट हो जाएंगी, निकल जाएंगी, और ये देखिए आपका एकदम बढ़िया वाला मक्खन तैयार हो जाएगा, बहुत ही शानदार। और अगर आपके पास इस प्रकार का दूध नहीं मिलता कि जिसपे मलाई आती हो, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, शुद्ध घी से भी मक्खन बन जाता है। शुद्ध घी को आप बर्फ़ के टुकड़ों में डालकर फेंट लीजिएगा, आपका बिल्कुल इस प्रकार का मक्खन तैयार हो जाएगा। तो हम महिलाओं के पास बहुत सारे जुगाड़ होते हैं, आप करेंगी तो आपको पता चलेगा। तो ये देखिए, ये हमारा एकदम टाइट वाला माखन तैयार हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा मक्खन मिश्री के लिए मक्खन तैयार है, और अब इसको दबा दबा कर आप किसी भी कटोरी में रखिए। और अब आपको क्या करना है, कोई भी चीनी या मिश्री के टुकड़े लेने हैं और इस माखन में मिक्स कर देने हैं, या फिर अगर आप सेपरेट सेपरेट भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, लाइक अलग से माखन अलग से मिश्री देना चाहते हैं, तो आप अलग से इसे भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। अब ये इतना फ्रेश है कि आप लगातार 2-3 दिन भगवान को भोग लगाएं, या जो इसका तरीका है बनाने का वो इतना सरल है कि आप हर दिन सुबह सुबह अपने घर में उठे, नहाए धोएं और ये माखन बना लें। कितना इजी तरीका, विद इन 30 सेकंड्स आप बना लेंगी, तो भगवान का भोग भी एकदम प्योर शुद्ध रहेगा, वो भी फ्रेश बना हुआ, और जो है आपको भी आनंद हो आएगा कि हाँ मैं चलो भगवान जी के लिए अच्छे से भोग बना पा रही हूँ। तो बस इसी प्रकार से माखन मिश्री बनता है, जो बहुत ही बढ़िया होता है। देखिए, आप चीनी मिला लें, जैसे मिश्री नहीं है कई जगह, तो चीनी मिला लें और ये सारा माखन आप एक कटोरी में रख के भगवान जी को सर्व करिएगा, परोस दीजिएगा। ये देखिए एकदम बढ़िया वाला माखन, ओरिजिनल टेस्ट वाला, बहुत वही जो कृष्णा जी की मम्मा बनाती थी ना, वही वाला माखन हमने घर में बना लिया है विद इन 30 सेकंड्स, है ना, आसान तरीका। और ठंडे पानी का इस्तेमाल जरूर करना है गर्मियों में अगर बनाते हैं तो, माखन जन्माष्टमी गर्मियों में आता है खैर। और अगर आपके क्षेत्र में या जहाँ आप रहती हैं उधर ठंडा है, जैसे हिमाचल है, कुल्लू है, मनाली है, या कई एरिया कश्मीर वगैरह है जहाँ ठंड है, वहाँ आपको ठंडा पानी लेने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल पानी में आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। अब ये जो बटर मिल्क है हमारा, इससे हम कढ़ी बना लें या इसको जीरा नमक डालकर पी लें, तो ये उसके काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा माखन मिश्री का प्रोसेस इसी प्रकार से होता है। नाउ आप इसमें जो है थोड़ी सी तुलसी का पत्ता भी डालेंगे, जब भगवान को भोग लगाएंगे ना, तो तुलसी जगह एक पत्ता डालना भी अनिवार्य है, बिना तुलसी के पत्ते के भगवान जी को भोग नहीं लगेगा। और सेम चरणामृत में, आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें चरणामृत में मिलाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है वो दूध, दही, शहद, शुद्ध घी और तुलसी जी के पत्ते से बनता है। लेकिन हाँ, आजकल लोग ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। थोड़े अमाउंट में दही लीजिएगा, लाइट चली गई है, थोड़े अमाउंट में दूध लीजिएगा, सारी चीज़ों को फेंट लीजिएगा। पहले दही जो है इसमें फेंट कर नहीं डालते हैं, दूध लेते हैं और दही को ऐसे ही मिला देते हैं, थोड़ा सा जो दही के थोड़े थोड़े पार्टिकल आते हैं वो अच्छे लगते हैं चरणामृत में। लेकिन हाँ, हर एक का अपना तरीका होता है, जैसे आपको पसंद है आप उस हिसाब से चरणामृत बनाइए। वो तो हमारे यहाँ बनना अनिवार्य है, मैं भी बनाऊंगी जन्माष्टमी के दिन। आप लोगों के साथ रेसिपी इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि भाई इतनी सारी चीज़ें मैं बना बना के फ्रिज में रखती जा रही हूँ, उन्हें खा कोई नहीं रहा है, वेस्ट हो रही हैं चीज़ें, और मैं वेस्टेज होता है इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। तो प्रोसेस तो यही रहेगा। दूसरा, ऐसा भी कहा जाता है, आप पुरानी उसमें जो हमारी किताबें हैं या कहीं पे भी जो लोग ये आयुर्वेद से जुड़े हैं ना, आप उनसे कंफर्म करिएगा, आपको पता चलेगा, मुझे इस चीज़ का ज्ञान है कि जो चरणामृत होता है ना,
अगर आप उसे रेगुलरली एक चम्मच पियेंगे ना, तो आपके शरीर के सारे कष्ट हर जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये फॉर्मूला आप ट्राई करके देख सकते हैं, जितने भी बॉडी में दर्द है, पीड़ा है आपकी, वो सब भी हर जाएंगे। एक चम्मच चरणा अमृत आप रोज पीजिएगा। क्यों? क्योंकि चरणा अमृत, अमृत है वो, अमृत तो ऐसे कहते हैं कि वो अमृत है, और उसे पीने से सारे कष्ट हर जाते हैं। तो ये भी आप ट्राई करिएगा। बाय द वे, ये तो यहाँ पे ये वाला था कि भाई आपको विद इन 30 सेकंड्स मक्खन कैसे बनाना है, माखन मिश्री कैसे बनानी है। अब आ जाती है इस दाल की बारी। लाइट चली गई, दाल पीस नहीं पाएगा अभी, नहीं तो मैं ये दाल की रेसिपी से आज मूंग की दाल की कचौरी बनाने वाली हूँ, जो मैं अभी बनाऊंगी। इसके लिए मेरा मिक्सी भी ख़राब है, जला हुआ है, तो मैं ब्लेंडर में इसको क्रश करूंगी। थोड़ा सा दानेदार हमें इस दाल को पीसना है, और साथ में कुछ हमें मसाले चाहिए, जिसमें थोड़ा साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, कुछ काली मिर्ची के दाने और एक लौंग डालेंगे। और सारी चीज़ों को स्लो फ्लेम पर रोस्ट करके हम ये जो दाल है इसको उसमें भूनेंगे। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें और हैं जो ऐड करनी है, जिससे आपकी जो कचौड़ियाँ हैं स्टोरेबल होगी। एक बार बनाकर हफ्ते तक भर आप उन्हें खा सकते हैं, एकदम फुली फुली। और बेलना भी नहीं है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो भी सिंपल सरल रेसिपी। साथ में आलू वाली सब्जी जो उसके साथ सर्व की जाती है दिल्ली में स्पेशली, वो मैं बनाऊँगी। और साथ में मैं बनाऊँगी चटनी भी, ठीक है, मीठी चटनी, खट्टी चटनी दोनों बनाएंगे। तो लाइट जैसे आ जाएगी देन आई विल स्टार्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, माखन मिश्री बनाने का प्रोसेस आपको पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बिल्कुल इसी प्रोसेस से माखन मिश्री बनाना। इस माखन में अब आप थोड़ी मिश्री मिलाकर भगवान जी को भोग लगाइएगा, आपका माखन मिश्री तैयार हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है गाइस, चलिए बाय बाय, टेक केयर।